हाय दोस्तों, मैं मिथुन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मिथुन सनिगई। आज मैं बताऊंगा एक गाने का नोटेशन। कोई भी गाने का नोटेशन आप लोगों को अगर चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपसे आपके मोबाइल में पहुंचे। बहुत सारा वीडियो है जो कि यूट्यूब में मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन नोटेशन कोई बताते नहीं है। अगर कोई नया सीख रहा है या सीखना चाहता है तो नोटेशन आपको काम आएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा, सैक्सोफोन कोई भी इंस्ट्रूमेंटल बजाने से पहले आपको बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा की, कौन सी कोड को कौन सी की दबाते हैं, उसके बाद उसका सरगम। मैं सबसे पहले गाने का नोटेशन बताना गलत है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी है कि थोड़ा बहुत जानते हैं इंस्ट्रूमेंट, नोटेशन बताने से वो गाना बजा सकता है। सबसे पहले मैं गाने का नोटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लोगों का अगर बेसिक चीज़ चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको जरूर पूरा करेंगे। ओके, अब मैं गाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। गाना ए मेरे हमसफर का नोटेशन मैं बताऊँ। ओके, ए मेरे हमसफर गाने का जी नेचुरल से स्टार्ट हो रहा है गाना। कैसे बजता है कि जी एफ सर ई, ए मेरे जी एफ सर ई। उसके बाद हम सफर में जी को दो बार बजाएगा और बाकी सेम है सारे। यानी कि ए मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, एक जरा इंतजार में जी को दो बार बजाएगा। यानी कि जी से दो बार बजाने के बाद डायरेक्ट बी में जा, बी ए जी एफ सार ई डी। उसके बाद सुन सदाए दे रही है मंजिल घर की, यानी कि डी से स्टार्ट होगा। सुन सदाए, सॉरी डी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि डी एफ सर ई डी। सुन सदाए डी डी एफ सर ई डी। उसके बाद दे रही है दो बार सेम नोटेशन। उसके बाद मंजिल प्यारी की, यानी कि बी ऑक्टेव बिना ऑक्टेव के साथ बी मोटा वाला। यानी कि बिना ऑक्टेव के साथ बी और जी ऑक्टेव के साथ एफ सर ई, मंजिल प्यारी की। यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके बाद अंतरा में ई से स्टार्ट हो रहा है, गिटार का पार्ट है, तो अंतर में कैसे है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से डायरेक्ट बी में, यानी कि
कि ई को दो बार तीन बार बजाना है और डायरेक्ट बी में जाना है, बी ए जी एफ सार। एक बार देखिए पता चले। एफ सार में रुक गया, यानी कि ई से डायरेक्ट बी ए जी एफ सार ए एफ सार। यानी कि पहले ई से बी, ई तीन बार, बी ए जी एफ सार ए एफ सार, उसके बाद डी ए जी एफ सार जी। इसमें ई आता है, एक बार फिर से बताता हूँ, फर्स्ट वाला लाइन जी में रुक रहा है, फर्स्ट ई से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड डी से स्टार्ट हो रहा है, एक नोट डाउन, यानी कि डी से लास्ट में जी में स्टार्ट रुक रहा है। उसके बाद थर्ड वाला जो है सीधा जी साहब से स्टार्ट हो रहा है, जी साहब से, जी साहब दो बार, जी साहब दो तीन बार, जी साहब से तीन बार बजाने के बाद बी में जाना है, ए जी एफ साहब दो बार ई डी। उसके बाद सेम ए मेरे, तो इस गाने को नोटेशन ध्यान से देखिए और मेरे गाने को प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई गाने का नोटेशन चाहिए तो प्लीज बताइएगा, मैं आपका ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।